खाना खाने से हेल्दी नहीं बनते, कभी कभी फास्टिंग करना भी जरूरी है। चलिए जानते हैं फास्टिंग के बारे में। जी, एकादशी फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिस्ट और हेल्थ कॉन्शियस दोनों लोगों के लिए। एकादशी मतलब 11वां दिन 15 दिन के फुल मून और डार्क मून का, इसलिए महीने में ये दो बार आती है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एकादशी रखना बहुत बेनिफिशियल है। कैसे? मैं बताता हूँ। वैसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, मून समुद्र के लहरों और हमारे मन को बहुत प्रभावित करती है। मेंटल हॉस्पिटल में जिन्हें भर्ती करते हैं उनको भी लुनाटिक्स ही कहते हैं। मून से लूनार, लूनार से लुनाटिक्स। वैदिक साइंस अनुसार मन के अधिष्ठात्रा देव है चंद्र। जैसा अन्न वैसा मन, ये तो सुना ही होगा। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों हमारे डाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी हम खाते हैं उस अन्न का प्रभाव हमारे मन पर लगभग 3 दिन तक रहता है। जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं उसको निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए फास्टिंग ऑन सम लेवल तो बेनिफिशियल हो जाता है ऑन 11th डे। बाकी आध्यात्मिक फायदे का तो क्या कहना। एकादशी को माधव तिथि कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी। और जितना हम वॉलंटियरली तपस्या करेंगे ना, उतनी वो माइनस हो जाएगी हमारे निर्धारित सफरिंग के कोटा से। इसलिए ट्राई कीजिए निर्जल, केवल फल, बिना अन्न, जैसे आपकी कैपेसिटी हो वैसा फास्ट कीजिए। बॉडी एंड माइंड दोनों बैलेंस रहेगा। हैप्पी एकादशी। फास्टिंग करिए, हेल्दी रहिए।